नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक सी एस सी भेल हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप चाइल्ड आधार इनरोलमेंट सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, चाइल्ड आधार इनरोलमेंट सेंटर भी VLE को मिलना चालू हो गया है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चाइल्ड आधार इनरोलमेंट सेंटर खोलने के लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या प्रोसेस है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE के पल पल की खबरें मिलती रहती है। जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं चाइल्ड आधार इनरोलमेंट सेंटर ओपन करने के लिए क्या प्रोसेस है और कौन कौन से जिला में किस स्थान पर यह आधार सेंटर ओपन किया जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए आप आ जाएंगे, कोई ब्राउजर ओपन करेंगे और लिखेंगे aadhar.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और आने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट। यहाँ देखिए लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ नीचे रीड मोड का ऑप्शन है, आप रीड मोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रीड मोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन नया पेज खुलेगा। जैसे खुल रहा है एक नया पेज आपको ओपन होगा जिसमें आपको चाइल्ड आधार इनरोलमेंट सेंटर का ऑप्शन शो होगा। जैसे पेज खुल गया, अब नीचे देखिए आधार नामांकन के अंतर्गत खोलें तो जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित स्थान को सूची देखने के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करें। आपको यहाँ क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है तो आप इस वक्त क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन यहाँ दिखेगा, चाइल्ड आधार इनरोलमेंट सेंटर के लिए भी है और बड़े व्यक्तियों के आधार बनाने का भी सेंटर, दोनों का ऑप्शन यहाँ शो होगा। यहाँ देखिए यहाँ आने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना होगा। यहाँ जिला का चयन करेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट चयन कर लीजिए, कोई जो भी जैसे ऑल ओवर मैंने चयन कर लिया तो ऑल ओवर चयन करेंगे तो ऑल ओवर में उन सारे स्थानों का लिस्ट आ जाएगा आपके सामने जहाँ आधार सेंटर ओपन होने वाला है और इसे सर्च करेंगे। जैसे मैंने सर्च किया, अब देखिए यह टोटल लिस्ट ओपन हो जाएगा जहाँ आपको दिखेगा कहाँ कहाँ चाइल्ड आधार सेंटर खोलना है और कहाँ आधार सेंटर खोलना है। अब नीचे आएंगे तो देखिएगा यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि अजमेर में टोटल जगह का नाम दे रहा है, यहाँ पिन कोड दिया गया है और यहाँ अप्लीकेशन कब से अप्लाई होगा और कब तक अप्लाई करना है, टोटल यहाँ डेट शो हो रहा है। और यहाँ देखने को आपको मिलेगा, देखिए नंबर ऑफ आधार ECMP सेंटर टू बी ओपेंड और नंबर ऑफ आधार CLEC सेंटर टू बी ओपेंड। तो चाइल्ड वाला कहाँ ओपन होने वाला है और आधार सेंटर कहाँ खोलने वाला है, दोनों यहाँ ऑप्शन दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है कि आधार सेंटर ओपन होगा, यहाँ चाइल्ड आधार सेंटर नहीं ओपन होने वाला है। तो यहाँ कहाँ पे कौन सा सेंटर ओपन होने वाला है आप यहाँ से देख पाएंगे। यस, दो आधार सेंटर यहाँ ओपन होने वाला है, यहाँ पर भी चाइल्ड आधार सेंटर नहीं ओपन होने वाला है। आप यहाँ आगे आएंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें अजमेर में यह दो जगह है, यहाँ सब चाइल्ड आधार ओपन होने वाला जगह है। आप जगह यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ चित्तौड़गढ़ में यहाँ तीन चाइल्ड आधार सेंटर ओपन होने वाला है और अप्लाई का डेट भी यहाँ दिया गया है और कब एंड होगा उसका भी डेट यहाँ दिया गया है। तो आप यहाँ से चेक कर लेंगे कि कहाँ चाइल्ड आधार इनरोलमेंट सेंटर ओपन होने वाला है और कहाँ आधार सेंटर ओपन होने वाला है। यहाँ सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ जब आपको अप्लाई करना होगा तो देखिए यहाँ आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन और हाउ टू अप्लाई दोनों ऑप्शन दिया है तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस यहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, टोटल प्रोसेस आपको यहाँ से पता चलेगा। जिससे ओपन हो गया, ये ओपन हो रहा है तो आपके लिए अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो सुनहरा अवसर है कि आपको चाइल्ड आधार सेंटर भी मिलने जा रहा है और आधार सेंटर भी मिलने जा रहा है। और यहाँ CSE अगर आपके पास नहीं है तभी मिलेगा और यदि आप VLE नहीं है, बैंक BC भी नहीं है तभी आपको आधार सेंटर मिलेगा। ये देखिए ओपन हो रहा है, यहाँ हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करें, हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करते हैं, देखिए एक पेज खुलेगा या PDF आ गया, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। PDF डाउनलोड हो रहा है, जितना नेट फास्ट होगा उतना जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो रहा है PDF, यहाँ से इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ये डाउनलोड हो रहा है PDF, ठीक है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। ये 1-2 MB का फाइल है, ये सब डाउनलोड कर लेंगे और इसमें टोटल प्रोसेस दिया हुआ है।
मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे डाउनलोड हो गया, अब इसको ओपन कर लेते हैं, पीडीएफ को ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया। अब ये टोटल प्रोसेस आपको दिखाया गया है कैसे कैसे क्या करना है। ये पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था क्या करना है आपको। टोटल वही प्रोसेस है जो चाइल्ड आधार सेंटर ओपन करने का प्रोसेस है, सेम आधार सेंटर का प्रोसेस है। तो पहले वाला वीडियो अगर आप देखे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको चाइल्ड आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना है। यहाँ देख लेंगे, यहाँ टाइप ऑफ यूज़र इन द, यहाँ टोटल ऑप्शन दिया गया राज आधार अप्लीकेशन के नाम से उपलब्ध है। इसको पढ़ लेंगे बढ़िया से, प्रक्रिया यहाँ बताया गया है और कैसे आप अप्लाई करना है। जीटू जी यहाँ देख सकते हैं आधार सेंटर के बारे में यहाँ दिखाया गया है। टोटल यहाँ से आप आसानी से देख करके और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ विशेष एक बात याद करना है, यहाँ देखिए आधार अपडेट हेतु आवेदन की प्रक्रिया, आवेदक द्वारा जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित किसी भी स्थान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, ठीक है। फिर कहते आवेदक द्वारा एक ही स्थान पर एक ही प्रकार का आधार केंद्र के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी आपको या तो आधार सेंटर के लिए अप्लाई कीजिए या चाइल्ड आधार सेंटर के लिए अप्लाई कीजिए, कोई एक वो अप्लाई कर पाएंगे। UIDAI द्वारा ब्लैकलिस्ट होने पर आवेदन नहीं किया जा सकता। यदि आप ब्लैकलिस्टेड हैं पहले से तो आप आवेदन नहीं दे सकते हैं। आवेदक का पुराना आवेदन निरस्त होने की स्थिति में उनके द्वारा पुनः आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास SSOID होना आवश्यक है। यहाँ प्रक्रिया बताया गया है कि आपके शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तो आप दस्तावेज यहाँ से पढ़ लेंगे। यहाँ कहता है दस्तावेज के आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही जन आधार कार्ड में निम्न सूचनाएं अपडेट होना चाहिए, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, शिक्षा का स्तर, बैंक, यहाँ बैंक का संख्या, बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, लिंग, वैवाहिक स्थिति, जाति, वर्ग, विकलांगता इत्यादि सब अपडेट होना चाहिए आपके जन आधार में। आवेदक के पास पैन कार्ड होना चाहिए, आवेदक के पास जन आधार पैन कार्ड के नाम समान होना चाहिए। आवेदक द्वारा निम्न दस्तावेज अपलोड किए जाना है, सहमति पत्र, 12वीं कक्षा का मार्कशीट या प्रमाण पत्र, ऑपरेटर सुपरवाइजर प्रमाण पत्र, आवेदक का ई आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ऑपरेटर द्वारा अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र, इसका उच्च शैक्षिक प्रमाण पत्र, इसके बाद वेरीफायर्स सहमति पत्र, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो इस तरह आप आसानी से अप्लाई कर लेंगे। अगर आप राजस्थान के भेल गए तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि दोनों आधार सेंटर वहाँ खोलने का ऑप्शन आ चुका है। आप आधार सेंटर ओपन कीजिए या चाइल्ड आधार सेंटर ओपन कीजिए, और दोनों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बैंक BC होना चाहिए और आपके पास CSE होना ही चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप प्रोसेस जाने और विशेष जानकारी के लिए आप अगर भेलिए हैं तो अपने DM संपर्क करें, कैसे कैसे क्या करना है वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो पहले आप इस वेबसाइट पर आइए और पूरा चेक कर लीजिए, इसके बाद अप्लाई कीजिए। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भेले साथियों।